इसमें कैंटीन बस की सुविधा है, फ्री है, सुविधा के साथ साथ फ्री कह सकते हैं आप। तो हमारा हेलो जी, मेरा सभी का स्वागत है। मैं देखना है यूट्यूब वीडियो में दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं और आपको बता दूं नोएडा दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में जॉब कैसे मिलता है, फुल प्रोसेस क्या होता है, पूरा हिंदी बाकायदा में बारीकी समझाता हूं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कैलिफोनिक्स, जो कि बोट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। स्मार्ट वॉच हो गई, ईयरबड्स हो गए, ब्लूटूथ वगैरह हो गए, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। बहुत टाइम से इसमें हायरिंग बंद थी, लेकिन हाल फिलहाल बहुत ही खुशी की खबर निकल कर सामने आई है कि इसमें एक बार फिर से हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि हमारे भाई जा रहे हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 10th 12th ITI डिप्लोमा अगर आपने कर रखा हुआ है ना भाई साहब, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कैंटीन बस की सुविधा है, फ्री है, सुविधा के साथ साथ फ्री कह सकते हैं। तो हमारे साथ दीपक भाटी जी हैं और एक हमारे और भाटी साहब हैं, पूरे भाटी ही ग्रुप है एक तरीके से मान लो आप, क्योंकि ये भाटी साहब बड़ा इनका सहयोग रहा है कैंडिडेट को लेके, लोगों को रोज़गार को लेके, लोगों को रोज़गार दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब देते हैं। तो आपको पता है मैं जॉब के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। बिना करे बकवास वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। हमारा क्या नाम है सर आपका? दीपक भाटी। दीपक भाटी जी, कहाँ के रहने वाले हो सर आप? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नोएडा से ही। नोएडा से ही रहने वाले जी। अगर हम बात करें अभी किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हो आप? सर 10th 12th डिप्लोमा और ITI से। 10th 12th ITI एंड डिप्लोमा जी। लोकल कैंडिडेट को भी ले रहे हो सर? जी सर, लोकल कैंडिडेट भी अवेलेबल है। कितने किलोमीटर दूर? कम से कम 250 किलोमीटर सर। तो लोकल तो हुए नहीं ना? अच्छा, अनलोकल है ना जी। लोकल इसमें शायद अलाउ नहीं है ना सर। अगर हम बात करें, अगर हम 10th 12th वालों की जो एज क्राइटेरिया कितना है, एज क्राइटेरिया कितना तक लेते हो आप? 30 साल तक जी। क्या मैन्युफैक्चर करती है सर ये कंपनी? ये स्मार्ट वॉच बनाती है, बोट की स्मार्ट वॉच बनाती है जी। अच्छा, सीटिंग का वर्क है कैसे, स्टैंडिंग वर्क है? सीटिंग वर्क है। सीटिंग वर्क मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट? जी, मेल फीमेल दोनों रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें 10th 12th वालों की, ITI वालों की, डिप्लोमा वालों की सैलरी क्या है सर? सर यहाँ पे 10th 12th की सैलरी जो है 10,275 रुपये है, ओवर टाइम सिंगल है सैलरी के हिसाब से। ITI वालों की 11,303 रुपये सैलरी है और डिप्लोमा वाले की 12,661 रुपये, ओवर टाइम सिंगल है सैलरी के हिसाब से। सैलरी के अकॉर्डिंग जी। सैलरी बात करें, अटेंडेंस अवार्ड कितनी है? 1,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड है इसमें। मतलब 10th 12th वालों के भी, ITI वालों के भी, डिप्लोमा सभी का सेम है अटेंडेंस। 1,000 रुपये जी। इसमें कैंटीन बस की सुविधा है सर? कैंटीन बस सुविधा है, वो भी फ्री अवेलेबल है। अच्छा, फ्री है जी, पैसा नहीं कटेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं कटेगा। जो हमारे भाई आएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आएंगे सर? सर उनको डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लाना है, 10th 12th की मार्कशीट लेकर आनी है और बैंक अकाउंट कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या लेके आना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और फोटो, ये तो सबको याद होता है। देन अगर आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसका मार्कशीट लेके आप आ जाना है ना सर? जी बिल्कुल सर। जीरोक्स ही चलता है ना? हाँ, जीरोक्स ही चाहिए बस। क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि सरार भाई हम ओरिजिनल लेके आते हैं, क्या इशू हो जाता है कि ओरिजिनल हमारा गुम हो जाता है, मिस हो जाता है। जी जी। तो लोकल अरे वो जीरोक्स से ही काम चलेगा। अच्छा, अंदर वर्क कैसा होता है, कोई प्रिसाइज वर्क तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं है, नॉर्मल काम होता है लाइन पे बस। लाइन पे जी। अभी कितनी वैकेंसी है सर इसमें? फिलहाल हमारे पास वैकेंसी है 200 वैकेंसी है। 200 वैकेंसी जी। आपकी कंपनी का क्या नाम है सर? कंपनी नाम बोट कंपनी है सर ये कंपनी। और आप जिसमें कंपनी काम करते हो उसका क्या नाम है, इसमें आप काम करते हो? हमारी कंपनी CRPL कंपनी में काम करते हैं। CRPL जो सैलरी देती है वो कितने तारीख को कैंडिडेट के अकाउंट में? 7 से 10 तारीख के बीच में सैलरी आ जाती है हमारी। 7 से 10 के बीच जी। क्या कर भैया आप? 7 को सैलरी आ जाती है। 7 को आई जाती है। तो अच्छा, एक बार ये बताओ दीपक जी, जैसे जो हमारे भाई अगर आएंगे तो श्योर होना सर उनको जॉब मिलेगा? जी बिल्कुल, 100% जॉब मिलेगा जो हमारे पास आएंगे कॉल। भाई ऐसा ना हो कि हम वीडियो बना के चले गए फिर आई इसरार भाई यार वीडियो देख कर गए थे और हमें जॉब नहीं मिला। नहीं सर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ऑडियंस है ना बड़े एक्टिव ऑडियंस, अगर मैंने वीडियो बना दी तो दूर दराज से भी आएंगे। जी जी। तो बस हमारी पहल होती है जो हमारे भाई बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो यहाँ पे आ जाए, उनको श्योर है कि जॉब मिलेगा। ये जो जॉब है बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। जी बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा इन भाई से भी बातचीत कर लेते हैं, अगर ये भैया हमारे नहीं मिलेंगे तो ये भाई साहब मिलेंगे। आप किसी से भी कोऑर्डिनेट कर लो, CRPL कार्ड लगा होगा, CRPL का कार्ड देख के उनको आप डॉक्यूमेंट अपना दे सकते हैं। ठीक है, इसमें सैलरी का कोई भी इशू नहीं होगा, ना ही सैलरी फंसेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाह रहा हूं। सुमित भाटी। सुमित भाटी कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रहने? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी किस टाइप की वैकेंसी चल रही है सर? ये पे बोट कंपनी है, इसकी वैकेंसी चल रही है। यहाँ पे बर्ड्स बनते हैं, स्मार्ट वॉचें बनती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी जैसे भैया ने बताया, दीपक भाई ने, कि इसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा वालों की सैलरी जो है वो जो निकल कर आई वो सच वही सैलरी? सेम सैलरी वही है। आप भी CRPL से? यार बिल्कुल सर। तो यार देखो, जो दूर दराज से आते हैं प्लीज़ यार देखो, हमारा उनका भरोसा हमारी जिम्मेदारी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, बखूबी अगर वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे सर ना, एक तरीके से ये पुण्य का काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पैसे के लिए तो सब कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम जो और जो आप कर रहे हैं ना, एज जिस लाइन में है कैंडिडेट को हायर कराना, तो ये काफ़ी पुण्य का काम है।
बिल्कुल सर, कल बंदे आ सकते हैं। 4000 मैन पावर की हमारे पास भर्ती है, वैकेंसी है। 4000 मैन पावर कितनी भी आए हम सबको लेंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबके अकाउंट होने चाहिए। अकाउंट नहीं होगा तो कितने दिन खुला देते हैं यहीं पे, ठीक है। आप लेके चलते होगा जो बैंक एक होते हैं ना स्टाफ, उसको साथ में लेके चलते? बिल्कुल साहब, हमारे साथ रहता है। भैया ये चाहते हैं ना सभी लोग, मैंने देखा है कि जो भी मैन पावर आप हायर करते हैं, हायर कराते हैं ना, वो ना एक स्टाफ को लेके चलते हैं बैंक की तरफ से। उनका टाई अप होता है कि कहीं से भी कोई मिसमैच ना हो या फिर कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाए। बिल्कुल, अगर बैंक की भी कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, बैंक तुरंत ही ओपन कर देंगे अकाउंट और आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ नानवी, प्रोसेस क्या होता है इंटरव्यू का, प्रोसेस क्या होता है? 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, 12 बजे तक इंटरव्यू चलते हैं। इंटरव्यू में बस बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पढ़ाई की है, कहाँ के रहने वाले हो, ये सब। फिर उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी बात बेसिक से बता देते हैं, कहाँ से रहने वाले हो, ये सब। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा जो जैसे कि अंदर जो वर्क होता है, कोई ऐसा प्रेशराइज वर्क तो नहीं है? नो, बिल्कुल भी कोई प्रेशराइज वर्क नहीं है। कोई लैंडलीडर तो मैं प्यार काली देखनी बोलेगा, सब प्यार से बोलेंगे। कोई कुछ भी को बोलता है, आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके ऊपर। बिल्कुल यार, प्लीज़ यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखो कुछ जो अगर कुछ कंपनियाँ गलत होती तो कुछ कैंडिडेट भी गलत होता, हम दोनों को इस तरीके से हम कह सकते। बिल्कुल जी, आज थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना हर कंपनियों के अंदर होती है। अगर हम चाहें कि एक श्योर एकदम सिक्योर कंपनी, साफ सुथरा कंपनी हमारे को मिल जाए, तो सर साफ सुथरा तो हम भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मानते नहीं चीज़ को। तो आप ये मत सोचे कि हमें सैलरी कम मिल रही है, हमें करना नहीं है। नहीं सर, हम करना ही नहीं चाहते। स्टार्ट करो यार, भाई साहब स्टार्ट करो। आज आपकी 10 है, कल आपकी यही 20 हो जाएगी। रियल बता रहा हूँ, 20 हो जाएगी सैलरी आपकी। अच्छा यहाँ पे जो ओवर टाइम वगैरह लगा के अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपने बताया डिप्लोमा वालों की 12,600 है। हाँ, 1,000 अटेंडेंस अवार्ड, 13,600 नाइट चलने वाला, नाइट अराउंड भी होता है 1500। नाइट अराउंड मतलब 13,000-14,000 तो ऐसे हो गए। प्लस अगर वो ओटी लगाते हैं तो उनका तकरीबन कितना उठ जाता है महीने का, अगर एक मोटी मोटा अगर 15-18 के बीच में उठ जाता है, 15-18 के बीच में आराम से। बिल्कुल देखो सर, ज्वाइनिंग बता रहा है, सैलरी को लेकर कोई इशू तो नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, 7 तारीख को अकाउंट में सैलरी आ जाती है, 7 से 8, 7 करोड़ संडे होगा, 8 बस, उससे पहले नहीं आएगा। क्योंकि भाई हम नहीं चाहते ना जो हमारे भाई हमारे थ्रू लगे हैं उनको सैलरी को लेके कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अगर सैलरी में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे बंदा एक अवेलेबल रहता है, कॉन्टैक्ट रूम में रहता है, इसके ऑफिस के अंदर एक कंपनी में रहता है। बिल्कुल डे नाइट दोनों रहेगा, दो बंदे रहते हैं, तो कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे मिल सकते हैं। अच्छा जी, अगर मतलब हमेशा आपके एक बंदे अंदर रहते हैं? एक से दो बंदे अंदर रहते हैं हमेशा। यार ठीक है भाई साहब, से बातचीत करके अच्छा लग रहा साहब। और जो भी हमारे भाई इस समय नोएडा के अंदर आ चुके हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो जैसा कि अब मैं आपको दिखा दूं पूरा एड्रेस की अगर हम बात करें, 2017 कैलिफोर्निया, इस कंपनी का नाम है 2017 सेक्टर 85 नोएडा का ये लोकेशन होने वाला है, जो कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है ना, इंडिया टीवी के पास है ना, इंडिया टीवी के पास, इसके पास इंडिया टीवी। अच्छा इंडिया टीवी के बिल्कुल पास में ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जॉब बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको जॉब का पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर पैसे की लेन देन करते हो तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का कोई पैसे की लेन देन नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। डॉक्यूमेंट कॉल करके देना किसी को, व्यक्ति को कॉल, डॉक्यूमेंट को कॉल कर लेना। अच्छा ये बता, आपका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन पे दे दूंगा, कॉल से बहुत आएंगे। बिल्कुल पिक करना, मेन पावर आपको बिल्कुल सर सबके कॉल पिक होते हैं, सबके नंबर दे दूंगा मैं अपने सुपरवाइजर के, सबके कॉल पिक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई इसराल को सपोर्ट कर देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।